वैश्विक संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 में रामगढ़ के गोला स्थित टोल प्लाजा पर मुख्यालय डीएसपी के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और बेवजह घूमने वाले लोगों को शारीरिक श्रम के साथ साथ उठक बैठक कराया गया। आप देख सकते हैं कि बेवजह बाहर घूमने वाले युवकों का क्या हाल किया जा रहा है, किस प्रकार से वह उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 स्थित टोल प्लाजा बॉर्डर पर सुबह डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में कोविड गाइडलाइन के पालन कराने को लेकर ई पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस क्रम में सड़कों पर बेवजह घूमने वाले पकड़े गए युवाओं को पुलिस ने उठक बैठक कराया ताकि कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस दौरान टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया और दो पहिया वाहनों में सवार तमाम लोगों को जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन के पालन करने का पाठ पढ़ाया। इस टोल से गुजरने वाले तमाम लोगों से ई पास की मांग की गई। एक तरफ बेवजह घूमने वाले कई वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया तो वहीं दूसरी तरफ मनमानी करने वाले कई चालकों को उठक बैठक कराया गया, शारीरिक श्रम दिया गया ताकि वे ऐसी गलती दोबारा ना करें। राज्य की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और बड़ी आबादी कोरोना से प्रभावित हो गई है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग या सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिए गए हैं उसी के तहत हम लोग यहाँ लोगों को समझा बुझा रहे हैं और सरकार का गाइडलाइन पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं और हम लोग सतत चेकिंग चला रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अपने पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है जिला स्तर से और हम लोग सतत इस पर चेकिंग कर रहे हैं और लोगों के विरुद्ध को समझा बुझा करके यथोचित कार्रवाई कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के लिए यह स्थान काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रदेश की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती इलाका नजदीक है। इस मौके पर टोल प्लाजा के प्रबंधक ने बताया कि टोल प्लाजा पर मजिस्ट्रेट और झारखंड सरकार के पुलिस तैनात किए गए हैं जिनके द्वारा ई पास की मांग की जा रही है और ई पास नहीं रहने पर उनको वापस किया जा रहा है, साथ ही उनको कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कराने की भी बात की जा रही है। गोला 600 फुट टोल प्लाजा पे मजिस्ट्रेट और झारखंड सरकार के पुलिस ये सब सारे लोग तैनात किए गए हैं जिसके तहत ई पास खोजा जा रहा है और ई पास नहीं रहने पे उसको रोका जा रहा है, बैक किया जा रहा है। अपने परिवार में हर दिन को स्पेशल बनाने के होंगे सबके अपने मौके। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी और अपने ओकेजन को बनाएं यादगार और खास, क्योंकि अपने स्वाद और शुद्धता के लिए पिज्जा के दीवानों में अपनी धारने वाला पिज्जा की दुनिया का सुप्रसिद्ध नाम लजीज पिज्जा खुल गया अब आपके शहर रामगढ़ में। रामगढ़ कॉलेज गेट के समीप खुले लजीज पिज्जा में वेज, नॉन वेज, क्लासिक एंड एक्जोटिक पिज्जा के अनेकों वैरायटी के साथ आइसक्रीम, कॉफी, स्नैक्स, सैंडविच, बर्गर, ग्रिल सैंडविच घर बैठे बस एक कॉल पर पाए। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 6202-893511, दूसरा नंबर 06553296016। न्यूजलेंस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।